हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हेल्दी, इजी और टेस्टी सूप की रेसिपी बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 3 लाल टमाटर लिए हैं, 1 छोटा पीस लौकी का लिया है, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, 1 छोटा प्याज लिया है, दालचीनी, 5-6 काली मिर्च और 1 तेज़पत्ता। ये मैंने मोटा मोटा चॉप कर दिया है। अब मैं इन सबको कुकर में 1 सीटी आने तक उबाल दूंगी। ये मैंने कुकर ले लिया, इसमें मैंने 2 ग्लास प्लेन वाटर डाल दिए हैं। अब मैं सभी सब्जियों को इसमें डाल दूंगी। आपके घर में कोई और सब्जियां अवेलेबल हैं तो आप उनको भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे चुकंदर का छोटा पीस भी डाल सकते हैं, गाजर का पीस भी डाल सकते हैं, लहसुन की 3-4 कलियाँ भी डाल सकते हैं। तो ये सब आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल दूंगी। अब ये इसमें प्रेशर कुकर लगा करके 1 सीटी आने तक इसको उबाल देंगे। अब ये देखिए मेरा ये उबल चुका है। अब मैं ये सब्जियां इसमें से छान करके मिक्सी के जार में डाल रही हूँ और इसकी मैं एक फाइन प्यूरी बना दूंगी। ये देखिए इसको मैं पीस दूंगी ठंडा होने पर। ये देखिए ये मेरा पीस चुका है। अब मैं इसको सूप की छन्नी में छान दूंगी। ये मैं छान चुकी हूँ और उसमें से केवल मेरा इतना वेस्ट निकला है। ये मेरा वेस्ट है, इसको फेंक देंगे। अब ये मेरा देखिए सूप गाढ़ा बना है थोड़ा। अब मैं इसको एक उबाल आने तक 4-5 मिनट के लिए इसको गैस में उबाल दूंगी। सूप को और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैं क्रूटॉन्स बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने एक ब्रेड, जो मोटा पार्ट होता है लास्ट में जो ब्रेड में होता है, तो उसके मैंने एक ब्रेड ली है। उसके छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में मैंने इसको काट दिया है। अब इसको मैं फ्राई कर दूंगी। तो ये क्रूटॉन्स सूप में डालते हैं तो सूप का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो ये सब ऑप्शनल है, आप बनाना चाहें, आप डालना चाहें तो आप बनाइए। यदि आप नहीं पसंद करते हैं तो स्किप कर दीजिए इसको। तो ये देखिए इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर दिया है। अब मैंने इसको प्लेट में निकाल दूंगी। इसी तरह से मैंने बचे हुए ब्रेड्स को भी फ्राई कर दूंगी। ये भी गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे। ये आप ऐसे भी खाएंगे तो बड़े टेस्टी लगते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब मैंने एक पैन में घी लिया था और उसमें मैंने एक छोटा प्याज बारीक चॉप किया था वो डाल दिया है। इसी तरह से शिमला मिर्च और बीन्स भी मैंने बारीक चॉप किए थे वो भी इसमें डाल दिए हैं। और एक मशरूम का पीस था उसको भी मैंने बारीक काट दिया था उसको भी। अब इसको मैं फ्राई कर दूंगी। एक थोड़ा सा मेरा ये देखिए फ्राई हो चुका है। अब जो सूप था हम इसमें इसको मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से ये इसमें सब्जियाँ मिक्स करके ये सूप और भी टेस्टी हो जाता है। बस इसको मैं 1-2 मिनट के लिए उबाल दूंगी। अब मेरे पास एक सूप का पैकेट पड़ा था, रखा हुआ था, तो उसमें मैंने 1 स्पून इस सूप का पाउडर इसमें डाल दिया। तो इससे सूप का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। ये ऑप्शनल है, ये आपके पास सूप है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं। वैसे भी आपका सूप बहुत टेस्टी बनेगा। और इसमें मैंने आधी 1/2 टी स्पून काली मिर्च मिला दी है। बस अब इसको एक उबाल आने तक 2-3 मिनट के लिए इसको उबालिए। हमारा सूप तैयार है। ये देखिए हमारा हेल्दी, टेस्टी और इजी सूप बनने के तैयार है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसमें मैं जो हमने क्रूटॉन्स बनाए थे इसमें मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसको गर्मा गर्म पीजिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा। तो चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।